हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं मानसून सत्र का आज छठवां दिन है। इस पूरे दिन में पक्ष और विपक्ष द्वारा विविध विषयों पर चर्चा की गई, जहां राज्य मंत्री सुधाकर देशमुख इन्होंने ओबीसी समुदाय के मुद्दे पर बात की और ओबीसी समुदाय के लोगों में 27% का आरक्षण मिले ऐसी मांग की कि ओबीसी समाजाला जे 27% आरक्षण आहे त्याच्यामध्ये कुठलीही कपात होणार नाही। ज्या ज्या समाजाचं जे जे आरक्षण आहे त्या आरक्षणाच्या आधारावरती पूर्ण मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला जातील आणि जर 1% जरी परसेंटेज कमी झालं, 1% जरी कमी झाला तरीसुद्धा ही मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेशाची पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आम्ही थांबवून देऊ, परंतु ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही असं अतिशय चांगलं सकारात्मक उत्तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलं, त्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो। विपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस के जितेंद्र आव्हाड ने भिडे द्वारा की गई अभव्य व्यवहार का विरोध किया और भिडे पर उचित कार्यवाही करने की मांग की। भिडे को अरेस्ट करना चाहिए, उन्होंने माफी मांग लेनी चाहिए। जानना तो हम ये चाहेंगे कि उनके शिष्य जो महानगर पर यहाँ पे बैठे हैं विधानसभा में, जो उनको परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजी बोला करते थे, गुरुजी जब अब महाराष्ट्र के संत परंपरा की आपका अपमान करते हैं, कहते कि मनु श्रेष्ठ है, जिस मनो को हमारे महात्मा फुले ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जला दिया था, उनकी किताबें जला दी थी और कहा था कि मनु को महाराष्ट्र में दफनाया गया है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में मनु का पुनर्जन्म महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। तो वहीं कांग्रेस के सावनेर तहसील के विधायक इन्होंने ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी का जुमलेबाज मंत्री बताया। एक साल पहले मेरे सावनेर विधानसभा क्षेत्र में इस जिले के पालक मंत्री यानी राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने आके वहाँ पे बहुत आश्वासन किया था, लोगों को बताया भी था कि मैं लाइन दूर करूँगा करके, पूरा प्रस्ताव बन के उनके पास रखा हुआ है। एक साल से चंद्रशेखर बावनकुले उस चीज़ को पैसे मुहैया नहीं करा सके, इसलिए आज जो दुर्दैवीय घटना हुई। मेरा शासन से आग्रह है कि आप झूठे जुमले वाला आश्वासन देना बंद करो, जो बोलते हो करना सीखो और आदमी को बचाने के लिए जो जो योजना आप बोलते हैं उसको जल्दी से जल्दी अमल कराओ, ऐसा मेरा शासन को कहना है। आप इस ऊर्जा मंत्री को इतना ही पूछो कि सर आपने जितनी जितनी बातें हम लिख लेते हैं आप मान भी लेते हैं, आप हमें एक ही चीज़ का वहाँ पे बता कि ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री है, बहुत कार्यशील ऊर्जा मंत्री है, बहुत घूमता है, बहुत काम कर रहा है, उनको पूछो इतना ही कि 2014 में जब ऊर्जा मंत्री बने तो इस राज्य का बिजली का टैरिफ क्या था और आज 2018 या आज मिड में हम पहुँच चुके थे, आप बिजली का टैरिफ कितना है, लोगों के जेब के माध्यम से आप कितने पैसे वसूल कर रहे हैं, इसका पहले वहाँ पे ब्यौरा दो और फिर बताओ कि ऊर्जा मंत्री सक्सेसफुल ऊर्जा मंत्री है या घोषणेबाज जुमलेबाज ऊर्जा मंत्री। 100% सिर्फ जुमलेबाज मंत्री है, सिर्फ घोषणा करता है, करता बिरता कुछ नहीं है। इस जिले में जब कपास के किसानों को राहत देने का काम आया, घोषणा कर दी, अब नया कपास बो भी दिया, 4 महीने के बाद नया कपास आ भी जाए।